हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवरानी जेठानी की रसोई में। आज हम बना रहे हैं खीर और मालपुआ। इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट होता है, तो देर किस बात की, आइए देवरानी जेठानी की रसोई में। मालपुए का बैटर बनाते हैं। एक बॉल यहाँ पर हमने गेहूं का आटा लिया है, आप चाहे मैदा ले सकते हैं, और 2 बॉल दूध लिया है। विस्क से इसको मिक्स करेंगे। हम चाहे तो चम्मच भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे किसी भी तरह का लम्स नहीं रहेगा। हमें 3 से 4 घंटे बाद पुए बनाने हैं, इसलिए इस बैटर को ढककर सेट होने के लिए रख देंगे। आइए खीर की तैयारी करते हैं। यहाँ पर 1 केजी दूध की खीर बनाएंगे। उसके हिसाब से 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम ही चीनी लेंगे। ये एकदम सही माप है 1 केजी दूध के लिए। थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट और इलायची यहाँ पर लेंगे। कोकोनट पाउडर ऑप्शनल है। चावल को धोकर हम 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। खीर के लिए मोटे तले का बर्तन यूज करेंगे और दूध को उबाल आने तक के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब इसे थोड़ी देर चम्मच से चलाएंगे ताकि दूध तले पर चिपके नहीं। 7 से 8 मिनट चलाने के बाद चावल का पानी निकाल कर दूध में ऐड करेंगे और 2 मिनट और चलाएंगे, इससे चावल चिपकेंगे नहीं। अब हमें यहाँ दूध को और चलाने की आवश्यकता नहीं है, लो फ्लेम पर खीर को रख देंगे। आधा घंटा हो गया है, चावल पक गए हैं। कुछ ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर और कोकोनट पाउडर खीर में ऐड करेंगे और 5 मिनट बाद शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करते समय खीर को चलाएंगे, वरना खीर में ये अच्छे से मिक्स नहीं होगी और तले पर चिपक जाएगी। थोड़ी सी केसर दूध में मिक्स करके खीर में डालेंगे, इससे खीर का स्वाद और सुगंध दोनों बढ़ जाएंगे। पैंतालीस मिनट हो चुके हैं, खीर यहाँ पर गाढ़ी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और खीर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब पुए बनाते हैं। इसमें 1 टीस्पून दही ऐड करते हैं, इससे पुए और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। मालपुए हम फ्राइंग पैन या लोहे की तई किसी में भी बना सकते हैं। हम यहाँ तई यूज़ करेंगे। इसे स्पेशल जलेबी और मालपुए बनाने में यूज़ किया जाता है। बैटर की कंसिस्टेंसी हम यहाँ ऐसे ही रखेंगे, इसे ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे। पैन में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब पुए को चम्मच से तेल में डालेंगे। ये अपने आप स्प्रेड होंगे, हमें इन्हें फैलाना नहीं है क्योंकि बैटर फर्मेंट हो चुका था, और पुए में थोड़ा गैप रखेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। हमने बैटर की कंसिस्टेंसी को यहाँ पर पतला ही रखा है ताकि ये आराम से तेल में स्प्रेड हो जाए। पुए तेल और घी दोनों में बन सकते हैं। एक बार चेक कर लेंगे कि पुए चिपके तो नहीं। थोड़ा सा सिकने के बाद इनको हम धीरे धीरे पलट देंगे। 2 से 3 बार पलट पलट कर सेक लेंगे। सुनहरा होने तक सेकेंगे, फिर इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरे राउंड में भी बैटर को स्प्रेड करेंगे और इसी मेथड से सारे मालपुए बना लेंगे। तेल से निकालने के बाद हम इनको किसी जाली वाले बड़े बर्तन में रख देंगे या फिर पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं ताकि इनका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। अब चाशनी बनाते हैं। 1 बोल आटे के मालपुए हैं तो 1 बोल चीनी, 1 बोल ही पानी लेंगे। चाशनी पतली बनानी है
चीनी को मिक्स होने तक चलाएंगे। केसर और इलायची थोड़ा फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे। वन फोर चम्मच यहाँ नींबू का रस डाल देंगे ताकि ठंडा होने पर पुए में चीनी जमी हुई ना दिखे। और अब मालपुए चाशनी में डिप कर करके निकालते जाएंगे। चाशनी के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं रखना है। ये एकदम सॉफ्ट और क्रंची मालपुए हमारे यहाँ तैयार हो गए हैं। थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। खीर के साथ पुए और भी अधिक रॉयल लग रहे हैं। आपको कैसे लगे बताना मत भूलना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।